जब सूर्य उत्तरायण होता है और उत्तरायण होकर जब वह कर्क रेखा पर आ चुका होता है तो भारत का स्थलीय भाग अत्यधिक तापमान के कारण कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि तापमान का और दबाव का बड़ा वायु दाब का विशेषकर तापमान का और वायु दाब का बड़ा विरोधी संबंध है। यदि तापमान बढ़ेगा तो दाब घटेगा और तापमान घटेगा तो दाब बढ़ेगा। तो होता क्या है कि उत्तरायण सूर्य होता है जब 14 जनवरी से सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है और 21 जून तक उत्तरायण रहता है। 21 जून के बाद वह दक्षिणायन होने लगता है। तो भारत में जैसे ही सूर्य कर्क रेखा के ऊपर आकर चमकता है, भारत का स्थल भाग गर्म हो जाता है, भारत की भूमि पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है, इधर समुद्र के ऊपर अधिक दबाव का क्षेत्र होता है और ये जो मानसूनी पवनें हैं ये अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ बहना शुरू कर देती हैं। अपने साथ ये कोष्ठ समुद्रों की, कुनकुने समुद्रों की नमी को लेकर आता है। मानसूनी पवनें इन कोष्ठ समुद्रों की नमी को लेकर आती हैं और भारत की भूमि पर पर्वतों पहाड़ों से टकराकर वर्षा कर देती हैं। आपको एक बात बता दूं मैं कि भारत का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यह भारत की स्थल आकृतियों से ही प्रभावित होता है। भारत की स्थल आकृतियों मतलब पर्वत पहाड़ रिफ्ट वैली इत्यादि से प्रभावित होकर के यहाँ पर बारिश कराता है और इसी बारिश को हम बोलते हैं मानसून का आगमन, जो कि 1 जून के आसपास केरल के मालाबार तट पर होता है। आज हम ई क्लासेस बाय मनीष सर के इस वीडियो में यही समझने का प्रयास करेंगे कि मानसून का आगमन होता कैसे है और मानसून का प्रस्थान अर्थात वापसी कैसे होती है। तो चलिए मैं मनीष शंकर तिवारी के साथ आज के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। चलिए कक्षा 9 का अध्याय जलवायु, जो कि चौथा अध्याय हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर है 6th, मतलब छठवां भाग है ये, और इसमें आज हम पढ़ेंगे मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। चलिए हम आरंभ करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं मानसून का आगमन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि एक पनिहारिन बाई है जो समुद्री नमी को अपने मटकों में भरती है और उसको लाकर भारत की ज़मीन पर छोड़ देती है। उसी मानसूनी पनिहारिन बाई का ये चित्र आप लोग देख रहे हैं और जब ये भारत की तरफ आती है पानी के मटके भरे हुए लेकर, तो इसको बोलते हैं मानसून का आगमन। और ये मानसून का आगमन कैसे होता है भारत में, चलिए हम इसको समझते हैं। व्यापारिक पवनों के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, व्यापारिक पवनों को व्यापारिक पवन क्यों कहते हैं ये भी आप लोग समझ चुके हैं। तो आपको बता दूं कि व्यापारिक पवनें जो हैं यह पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। इस तरह से ये लगातार पूर्व से पश्चिम की ओर निरंतर और नियमित रूप से, ऐसा नहीं है कि किसी दिन इनके मन में बेईमानी आ जाए और ये कह दें नहीं अब हम पूर्व से पश्चिम नहीं, अब आउट टर्न करो, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहेंगे, ऐसा ये बिल्कुल नहीं करती। व्यापारिक पवनें जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर ही बहती हैं, प्रवाहित होती हैं, नियमित रूप से प्रवाहित होती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं पुरवाई, पुरवैया भी इनको कहा जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो मानसूनी पवनें हैं, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि व्यापारिक पवनें मानसूनी पवनों में कैसे परिवर्तित होती हैं। जब ये व्यापारिक पवनें, खासकर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन जो है विषुवत वृत्त को क्रॉस करके उत्तरी गोलार्ध की तरफ आती है, तब यह है कोरियालिस बल के कारण दाईं ओर विक्षेपित होती है उत्तरी गोलार्ध में और भारत की भूमि की तरफ दक्षिण पश्चिम दिशा से एंट्री करती है, इसलिए इसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। मानसूनी पवनों को मानसूनी पवन का पहला नाम अरबी व्यापारियों ने दिया था। तो ये जो मानसूनी पवनें होती हैं ये व्यापारिक पवनों के विपरीत होती हैं। कैसी विपरीत होती हैं, प्रकृति में विपरीत होती हैं। व्यापारिक पवनें नियमित होती हैं, पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होती हैं, लेकिन मानसूनी पवनें स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा है ना, हार्ट बीट करते हुए पल्सेटिंग नेचर का, स्पंदमान प्रकृति कैसे, स्पंदमान प्रकृति मतलब मानसूनी पवनें जिनके बारे में हमने विभिन्न कारकों को पढ़ा कि मानसूनी पवनों की तीव्रता मतलब मानसून की तीव्रता को प्रभावित करने वाले 5 कारक देखे थे हमने, और 5 कारक ऐसे देखे थे जो मानसून की तीव्रता को कम करते हैं। मतलब जब मानसून की तीव्रता कभी बढ़ जाती है किसी कारण से कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है, कई बार नेगेटिव हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, कई बार बहुत तेज़ हो जाती है, तो इस तरह से मानसून की जो तीव्रता है उसमें मंदता और तीव्रता आती जाती रहती है। और इसी वजह से इन मानसूनी पवनों को हम क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग नेचर की, किस प्रकृति की बोलते हैं, स्पंदमान प्रकृति की। तो अब
आपको क्लियर हो गया होगा कि व्यापारिक पवनें तो नियमित हैं, हाँ ये कमजोर हो सकती हैं, व्यापारिक पवनें ताकतवर हो सकती हैं, कमजोर हो सकती हैं, लेकिन इनके प्रवाहित होने की जो दिशा है वह पूर्व से पश्चिम ही रहेगी। लेकिन मानसूनी पवनें जो हैं यह नियमित प्रकृति की नहीं हैं, पल्सेटिंग नेचर की हैं, कई बार मेडागास्कर के उच्च दबाव से ये कहाँ चल देती हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले उधर प्रशांत महासागर के सेंटर की तरफ, ये हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, अगर वहाँ निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है, यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है तो यहाँ आ जाती हैं, अगर ताकतवर क्षेत्र यहाँ निम्न दबाव का बन जाए तो, और नहीं तो ये यहाँ चलती रहती हैं भारत की मुख्य भूमि पर इस तरफ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मानसूनी पवनें व्यापारिक पवनों के विपरीत जाकर पल्सेटिंग नेचर या स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। और होता क्या है कि ये मानसूनी पवनें जब उष्णकटिबंधीय समुद्रों मतलब विषुवत रेखा के आजू बाजू जो समुद्र हैं, जो नीला भाग आपको नक्शे में दिखाई दे रहा है, जब इन समुद्रों से होकर गुजरती हैं तब इनको अलग अलग तरह की विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं का सामना करना पड़ता है इस तरह से। अब आप इसको समझिए ऐसा कि ये देखिए ये यहाँ पर मेडागास्कर है, इस मेडागास्कर में हाई प्रेशर है, उच्च दबाव का क्षेत्र है, यहाँ पर उच्च दबाव का क्षेत्र है, यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र है, इस तरह से अलग अलग ये जो उच्च दबाव और निम्न दबाव का क्षेत्र है ये दोलन करते हुए एक दूसरे को प्रतिस्थापित करता रहता है। तो इस तरह से जो मानसूनी पवनें हैं ये समुद्र के ऊपर से जब गुजरती हैं तो इनको अलग अलग वायुमंडलीय अवस्थाओं का सामना करना पड़ता है, और सामना करते हुए ये उनसे प्रभावित भी होती हैं, और जब ये उनसे प्रभावित होती हैं तो इसका असर भारत के मानसून पर भी पड़ता है। अब ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में मानसून का समय कब से होता है। भारत में मानसून जून से आरंभ होता है और सितंबर तक चलता है, मतलब 1 जून से 15 सितंबर के आसपास मानसून भारत में प्रभावी होता है, जून जुलाई अगस्त 90 दिन और 15 से 20 सितंबर ये होगा, इस तरह से 110-120 दिन के आसपास इसकी कुल अवधि होती है। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि भारत में मानसून कब से कब तक रहता है तो आप बिल्कुल बेझिझक बोल देंगे कि भारत में जो मानसून है वह जून से प्रारंभ होता है और सितंबर तक रहता है। सितंबर में भी कब तक, मिड सितंबर, मध्य सितंबर तक रहता है। और इसकी अवधि अगर पूछी जाए कि भारत में मानसून की अवधि कितने दिनों की होती है तो आप इसको बता देंगे कि भारत में मानसून की अवधि 100 से 120 दिनों के बीच की होती है। अब मानसून जब आता है तब क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा या देखा होगा कि जब भारत में मानसूनी वर्षा शुरू होने वाली होती है, गर्मी खत्म होने के बाद जब बारिश का टाइम आता है तब हल्की हल्की फुहारें आना शुरू हो जाती हैं, बौछारें शुरू हो जाती हैं, और हम लोग कहने लगते हैं कि ये प्री मानसून है, प्री मानसून है। जब प्री मानसून की स्थिति के बाद में अचानक उस सामान्य वर्षा में बहुत तेज वृद्धि हो जाए, अचानक से वर्षा बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं मानसून प्रस्फोट, और यह स्थिति एक या दो दिन नहीं लगातार कई दिनों तक होती है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, मानसून प्रस्फोट या मानसून का फटना। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि मानसून प्रस्फोट किसे कहते हैं या मानसून का फटना किसे कहते हैं, तो आप बेझिझक कह दीजिएगा कि प्री मानसून के बाद मानसूनी वर्षा में अचानक तेजी से वृद्धि हो जाए उसको हम बोलते हैं मानसून प्रस्फोट। अब ये मानसून प्रस्फोट अलग चीज़ होती है और प्री मानसून बारिश अलग होती है। प्री मानसून बारिश मतलब आप किसी वॉशरूम में शावर में नहा रहे हो तो ये हो गई प्री मानसून बारिश, लेकिन यदि आपके ऊपर इकट्ठे 10 बाल्टी पानी डाल दिया जाए तो ये हो जाएगा मानसून प्रस्फोट। तो यही होता है प्री मानसून, मतलब शावर वाला पानी, थोड़ा थोड़ा पानी, हल्की हल्की बारिश होती रहती है बौछारों के रूप में, लेकिन जब मानसून भारत के स्थल भाग पर टकराता है तो अचानक से बारिश में वृद्धि हो जाती है। और आपको एक बात बता दें क्यों होती होगी, भाई पनिहारिन भाई बहुत सारे मटकों में ढेर सारा पानी लेकर आ रही है, तो जैसे ही पहली बार जब जो मिल जाएगा उसको इकट्ठा बहुत ज़्यादा पानी मिल जाएगा, तो यही होता है, आपके साथ भी होता है, यदि हमारे घर में भी होता है, यदि हमारे पेरेंट्स बाजार से कुछ खाने की चीज़ लाए हैं और हम बहुत सारे भाई बहन हैं हमारे परिवार में, चाचा दादा मामा सबके बच्चे हैं घर पर, तो पहला बच्चा जो पहुंचेगा उसको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, क्यों, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के या जो मिठाई लेकर आने वाला है, जो खाने की सामग्री ला रहा है, उस समय उसके थैले में ज़्यादा आइटम रहेगा, तो जो पहला बंदा मिलेगा उसको ज़्यादा मिल जाएगा। या प्रसाद बांटते हैं जब किसी पूजा इत्यादि कार्यक्रम में, तब क्या होता है प्रसाद बांटने वाला होता है तो शुरुआत में वह ज़्यादा बांटता है और बाद में
जब प्रसाद कम होने लगता है तो कम कर देता है। तो यही मानसून के साथ होता है, जब मानसून आरंभ होता है तब वह अचानक बहुत तेजी के साथ में बारिश करता है, और जब अचानक बारिश में यह वृद्धि हो जाती है, इसको हम बोलते हैं मानसून का फटना या मानसून प्रस्फुट। और प्री मानसून अलग होता है, प्री मानसून मतलब मानसून के आगमन की सूचना देने के लिए कोई चीज़ आ गई है। मानसून का आगमन की सूचना देने के लिए जब पहले थोड़ी थोड़ी फुहारों वाली बारिश होती है उसको हम बोलते हैं प्री मानसून। क्लियर है ना? अब देखने वाली बात यह है कि ये तो हमारी समझ में आ गया कि मानसून भारत में आता है और बहुत गाजे बाजे के साथ, ढोल ढमाके के साथ, बादल की गरज के साथ में आता है और बहुत तेज़ बारिश करता है, उसको हम मानसून प्रस्फुट कहते हैं। लेकिन ये आता किधर से है और कब आता है और भारत में इसकी यात्रा का मार्ग कौन सा होता है, चलिए हम इसको समझते हैं। सामान्यतः जून का पहला सप्ताह मानसून भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के दक्षिणी छोर से एंट्री मारता है। मतलब मानसून भारत माता से उसके चरणों के पास खड़ा होकर बोलता है, मे आई कम इन भारत माता। कहाँ से? यहाँ से। ये जो जगह दिख रही है आपको, ये कहलाता है दक्षिण पश्चिमी गेट, दक्षिण पश्चिमी द्वार भारत का। यहाँ से मानसून भारत माता के पैर पखारते हुए अंदर एंट्री करता है और बोलता है कि मे आई कम इन भारत माता। और यहाँ आने के बाद यह शांत नहीं रहता मानसून, मानसूनी पवनें ये नहीं कि यहाँ आकर रुक जाएंगी, यहाँ पर आके दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। पहली शाखा होती है अरब सागर की शाखा और दूसरी शाखा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। मतलब भारत के दोनों तरफ जो समुद्र बने हुए हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों शाखाओं में वह विभाजित हो जाती है। तो अरब सागर की शाखा क्या करती है, 1 जून पर यह पहली बारिश मालाबार तट पर केरल में कराती है, तिरुवनंतपुरम के आसपास कराती है, और ठीक 10 दिन बाद यह पहुंच जाती है मुंबई। यानी यदि 1 जून को यह केरल पे आई तो 10 जून को यह मुंबई पहुंच जाती है, यानी बड़ी तेज गति से एक लंबी दूरी तय करती है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं यह एक तीव्र प्रगति हुई। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी की शाखा भी चुपचाप नहीं बैठी रहती, यानी कि अरब सागर की शाखा आगे बढ़ गई तो बंगाल की खाड़ी की शाखा आराम करने लगेगी, नहीं, बंगाल की खाड़ी की शाखा भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है, यह भी तीव्रता के साथ आगे की तरफ दौड़ लगाती है। और यह जून के पहले हफ्ते में पहुंच जाती है आसाम। कहां पहुंच जाती है? जून के पहले हफ्ते में पहुंच जाती है आसाम, और आसाम में मानसून प्रस्फोट की स्थिति निर्मित कर देती है। जैसे यहां पर तिरुवनंतपुरम मालाबार तट पर केरल में मानसून प्रस्फोट बना, इसी तरह से जून के पहले सप्ताह में आसाम में शिलोंग के पठार के पास जयंतिया, खासी, गारो पहाड़ियों पर जाकर यह भरपूर बारिश कराती, मानसून प्रस्फोट की स्थिति बन जाती है। इसके बाद इसको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता है। किसको? बंगाल की खाड़ी की शाखा को। सामने बहुत बड़ा अवरोध मिलता है और उस अवरोध का नाम होता है हिमालय पर्वत। क्या नाम होता है? हिमालय पर्वत। आपको बता दें कि यदि आप किसी टेबल फैन को ऑन करते हैं और उसको ऑन करके दीवार की तरफ उसकी हवा का रुख कर देते हैं, तो क्या वह हवा दीवार को फोड़ कर या दीवार को क्रॉस करके दीवार के उस पार खड़े व्यक्ति को महसूस होगी? कतई नहीं। डेफिनेटली वह हवा दीवार से टकरा कर किसी अन्य दिशा में बहने लगेगी। ऐसा ही होता है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के साथ। यह आसाम तक पहुंचती है और आगे हिमालय पर्वत से टकराने के बाद यह पश्चिम की दिशा में गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ जाती है? पश्चिम की तरफ गंगा के मैदान की दिशा में, गंगा के मैदान की तरफ यह आगे बढ़ने लगती है। अब यह तो बंगाल की खाड़ी की शाखा हो गई जो हिमालय पर्वतों से टकरा कर गंगा के मैदान की तरफ बढ़ गई। अब इधर अरब सागर शाखा जो 10 जून को बम्बई पहुंच गई थी, मुंबई पहुंच गई थी, ऐसा नहीं कि मुंबई में पहुंच कर यह बड़ा पाव खाने लगी और आराम करने लगी, बिल्कुल नहीं। यह मुंबई से आगे बढ़ने लगती है और गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र तथा देश के अन्य मध्य भागों में यह पहुंच जाती है। अब यह देश के अन्य मध्य भागों में कैसे पहुँचती है, देखिए ये यहाँ पर है कच्छ सौराष्ट्र, इसको क्रॉस करते हुए ये अरावली पहाड़ यहाँ पे बीच में पड़ता है। अरावली पर्वत इन मानसूनी वर्षा को रोक नहीं पाता, क्यों? क्योंकि अरावली पर्वत मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है, इसलिए ये भाग सूखा रह जाता है। मानसूनी पवनें राजस्थान के इस भाग को टाटा बाय बाय करते हुए आगे बढ़ जाती हैं और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की तरफ चल देती हैं। और एक शाखा जो है यहाँ पर, ये नर्मदा घाटी की में, यहाँ पर ये जो जगह मिल जाती है इसको, ये नर्मदा घाटी में और ये ताप्ती वैली में, ताप्ती घाटी में।
तो नर्मदा घाटी के अंदर जो सतपुड़ा और बिंद के बीच रिफ्ट वैली में जो मानसूनी हवाएं फंस जाती हैं, ये आगे बढ़कर मैकल पर्वत श्रेणी अमरकंटक पे बारिश कराती हैं, जबकि ताप्ती नदी के भ्रंश में फंसी हुई ये मानसूनी पवनें बैतूल की पहाड़ियों में जाके बारिश कराती हैं। और इस तरह से अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा पूरे देश में छा जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे से गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में जाकर एक दूसरे से मुलाकात करती हैं, और मुलाकात करके ये लोग आपस में चर्चा करती हैं कि हाँ बहन बता, अब भारत का कौन सा भाग और रह गया है जहां पर हम बारिश करा लें। तो इस तरह से आपस में वो मेल मुलाकात कर लेती हैं। अब हम बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश 29 जून के आसपास होती है। कब होती है? 29 जून के आसपास। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिल्ली में बारिश कब होती है 29 जून के आसपास, मतलब 1 जून को भारत में मानसून प्रवेश करता है और ठीक एक महीने बाद दिल्ली पहुंचता है। लेकिन दिल्ली में जो बारिश होती है वह अरब सागर की शाखा से नहीं होती है, वह बारिश होती है गंगा के मैदान की दिशा से आने वाली बंगाल की खाड़ी की शाखा। मानसूनी वर्षा दिल्ली में बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है और जून के अंतिम सप्ताह में होती है, लगभग 29 जून के आसपास। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम इसमें। अब होता क्या है कि दिल्ली में 29 जून तक बारिश हुई, इसके बाद जुलाई के फर्स्ट वीक में मानसून जो है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। ये वाला हिस्सा, ये जहां पर आपको ये बादल दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, ये वाला हिस्सा कहलाता है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान। तो इस तरह से जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है और यहां पर भरपूर बारिश कराता है, और इसके बाद मध्य जुलाई तक यह हिमाचल प्रदेश तथा देश के शेष हिस्सों में पहुंचकर पूरे देश को भिगो देता है। मतलब इस तरह से पूरा भारत लगभग मानसूनी पवनों के आगोश में आ जाता है और बारिश यहां पर होने लगती है। तो इस तरह से ये हमने जान लिया भारत में मानसून के आगमन को। अब हम बात करेंगे भारत से मानसून की वापसी। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो पहली बारिश होती है वह 1 जून के आसपास केरल पर, मतलब भारत के प्रायद्वीपीय भाग के दक्षिणी छोर पर होती है, और इसके बाद यहाँ से जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये दो ब्रांचेज में बढ़ जाता है। पहली शाखा होती है अरब सागर शाखा जो मुंबई में बारिश कराती है, और दूसरी शाखा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा जो आसाम में बारिश कराती है, और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा इधर अरब सागर की शाखा दोनों जाकर गंगा के मैदान में उत्तर पश्चिम भाग में जाकर आपस में मेल मुलाकात कर लेती हैं। इसके बाद भारत में पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि हमने अर्थशास्त्र वाले भाग में पढ़ते हुए पाया था कि यह जो है देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्र कहलाते हैं। हरित क्रांति का सबसे पहला नवाचार भी इसी क्षेत्र में हुआ था, यह हम लोगों ने अर्थशास्त्र में पालमपुर गांव की कहानी को पढ़ते हुए देखा था। तो बारिश यहाँ पर अधिक होती है और इसलिए यहाँ पर ये किसान जो है समृद्ध होते हैं। ये चीज़ हमारी समझ में आ गई है। अब होता क्या है कि मानसून पूरे देश में छा गया, आ गया और छा गया। अब लेकिन जो मानसून की जो देवी हैं, जो पनिहारिन बाई हैं, मटकों में पानी लेकर जो आई हैं, क्या वो मटके भरे रहेंगे? नहीं। जैसा कि मैंने बताया ना कि यदि कोई व्यक्ति प्रसाद बांट रहा है तो बांटते बांटते उसकी थैली में प्रसाद खत्म होगा ना होगा, बस ऐसे ही होता है। ये मानसूनी पवनों के साथ में जो नमी आई होती है, इन नमी में कमी होने लगती है, और जब इन नमी में कमी होने लगती है, साथ में जो सूरज चाचा हैं जो कि भारत की भूमि पर चमक रहे थे, 21 जून के बाद ये दक्षिणायन होने लगते हैं, मतलब मकर रेखा की तरफ जाने लगते हैं, विषुवत रेखा की तरफ जाने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में भारत में ठंडा प्रदेश बन जाता है बारिश लगातार होने के कारण, और वायुदाब उच्च हो जाता है। अपेक्षाकृत समुद्री स्थलों पर सूर्य जब जाने लगता है तो वहां पर वायुदाब निम्न हो जाता है, और जब वहां सितंबर के आसपास सूरज पहुंच चुका होता है समुद्री क्षेत्रों में और वायुदाब निम्न हो जाता है तो हवाओं का रुख पलट जाता है। व्यापारिक पवनों की तरह नहीं, व्यापारिक पवनें
व्यापार एक पवन है, ये अबाव दबाव के भरोसे में नहीं रहती, ये निरंतर पूर्व से पश्चिम बहती हैं। लेकिन मानसूनी पवनें जो हैं ये जब दबाव में अंतर आता है तो अपनी दिशा को बदल देती हैं। अब दबाव अधिक पड़ गया स्थल भाग पर और समुद्री भाग पर दबाव कम हो गया तो इन्होंने अबाउट टर्न किया और समुद्र की तरफ प्रवाहित होने लगी। और जब ये हवाएं पलटती हैं तो इनको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून और यही कहलाता है मानसून का प्रस्थान या मानसून की वापसी। तो चलिए हम समझते हैं मानसून की वापसी कैसे होती है। अब हम बात करेंगे मानसून की वापसी। तो ये पनिहारिन देवी, इनका ये मटका जो है ये खाली हो चुका है और ये पुनः मटके को भरने के लिए चल पड़ी हैं समुद्र की तरफ और इसी को हम बोलते हैं मानसून की वापसी। तो मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक प्रक्रिया कैसे? जैसे मानसून आता है वैसे ही वापस जाता है। इसको आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है ये भारत का नक्शा है। यहाँ पे मानसून आया पहले, फिर यहाँ मुंबई गया, फिर यहाँ से मुंबई से आगे बढ़ा, इधर से यहाँ से बंगाल की खाड़ी की जो शाखा थी वो आगे बढ़ी, आसाम में टकराई और गंगा के मैदान पर आगे बढ़ी। अब जब मानसून वापस करेगा तब ऐसा नहीं कि पूरे भारत से मानसून एकदम से गायब हो जाएगा। जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता है क्रमिक रूप से उसी तरह वापस आता है। तो हमने देखा कि मानसून कहाँ पर पहुँचा था, उत्तर पश्चिम भाग पर मानसून पहुँच जाता है और इसके बाद ये सितंबर तक की स्थिति होती है और यहाँ से फिर इसकी वापसी आरंभ होती है। तो उत्तर पश्चिम राज्यों से, भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से मानसून की वापसी की प्रक्रिया सितंबर में आरंभ हो जाती है इस तरह से, और मध्य अक्टूबर तक मानसून जो है वह है प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। अब प्रायद्वीप का उत्तरी भाग यानी प्रायद्वीप का ऊपरी भाग, यहाँ से उत्तर पश्चिम भाग से हटा, यहाँ से इसके बाद प्रायद्वीपी भाग से हटा और दिसंबर तक आते आते यह दक्षिण के आधे भाग से भी पूरी गति से वापस हो जाता है और दिसंबर तक आते आते देश के बाकी भागों से भी मानसून लापता हो जाता है, मानसून गायब हो जाता है। तो इस तरह से दिसंबर का जब आरंभ होता है और पूरे देश से मानसून का अंत हो जाता है और इसको बोलते हैं हम मानसून की वापसी। इस तरह से मानसून वापस हो जाता है और इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। मानसून वापस क्यों होता है इसको मैंने आरंभ में आपको बताया, आगे भी यदि आप लोग डिमांड करेंगे तो इस पर हम विस्तृत चर्चा कर लेंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की अभी तक कहा कि मुख्य स्थली भाग पर मानसूनी बारिश की, अब हम बात करते हैं द्वीपों पे, वो भी भारत का ही हिस्सा है, द्वीपों पर क्या स्थिति बनती है, चलिए हम उस पर चर्चा करें। ये मानसून का अंत हो गया, अब मानसून का अंत होने के बाद द्वीपों की बारिश। द्वीपों पर क्या होता है, मानसून की पहली बारिश द्वीपों पर ही होती है और ये मई के फर्स्ट वीक में हो जाती है। एक द्वीप ये है और एक द्वीप ये है। जो अरब सागर वाला द्वीप है ये वाला, ये अरब सागर के पास जो द्वीप है ये होता है लक्षद्वीप और ये होता है अंडमान और निकोबार द्वीप। तो दोनों जगह पर जो बारिश होती है वह दक्षिण से उत्तर की तरफ अप्रैल के अंतिम सप्ताह और मई के फर्स्ट वीक में हो जाती है। मतलब मुख्य स्थली भाग पर बारिश कब होती है, जून के फर्स्ट वीक में, लेकिन उसके भी पहले द्वीप समूहों पर भारत में अप्रैल लास्ट और मई के फर्स्ट वीक में मानसूनी वर्षा हो जाती है और दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ ये वर्षा होती है इस तरह से। और जब ये मानसून वापस लौटता है दिसंबर में तब यह ऊपर से नीचे की तरफ यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ बारिश कम कराते हुए वापस लौट जाता है। और जब द्वीपों से दिसंबर में मानसूनी वर्षा की समाप्ति हो रही होती है उस समय पूरा भारत देश ठंड के आगोश में आ चुका होता है, शीत ऋतु के प्रभाव में आ चुका होता है और भारत में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा भारत में मानसून का आगमन और प्रस्थान, मानसून की वापसी के साथ ही भारत में शुरू हो जाती है शीत ऋतु। इस प्रकार मानसून का जो आगमन हुआ था और आगमन के बाद मानसून का जो प्रस्थान हुआ है ना, वापसी हुई, दोनों प्रक्रियाओं को आप लोगों ने समझ लिया। मानसून का जो आगमन था वह दक्षिण पश्चिम मानसून था जिससे पूरे देश में 80% भाग पर बारिश होती है, यानी जिससे पूरे देश में 80% बारिश होती है। उत्तर पूर्वी मानसून जो लौटता मानसून कहलाता है उससे केवल 17% बारिश होती है और पश्चिमी विक्षोभों तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से भारत में 3% बारिश होती है। इस तरह 100% बारिश भारत में होती है, इस चीज़ को आप लोग समझ चुके हैं।
दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की स्थल आकृतियों से प्रभावित होता है, यानी ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ों से टकरा टकरा कर जमकर बारिश कराता है। लौटता मानसून अपनी गति से वापस होता है और जब यह पूरी तरह वापस हो जाता है तब भारत में शीत ऋतु का आरंभ हो जाता है। इस तरह आप लोगों ने भारत में मानसून के आगमन और प्रस्थान बिंदु को समझ लिया। यहाँ पर शीत ऋतु आरंभ हो चुकी है, मतलब अब हमको अगले चैप्टर में ऋतुओं वाला कंटेंट लेकर आना होगा। तो चलिए आप लोग भारत में मानसून के आगमन और प्रस्थान वाले इस कंटेंट को देखिए, समझिए। कोई आपको कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अगला कंटेंट जो हम ऋतुओं पर तैयार कर रहे हैं उसको बनाऊँ। लेकिन इसके पहले आप लोग ध्यान रखिए, इस कंटेंट को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्रिप्शन की जो लाल बटन है उसको दबाकर बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियोस के नए नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सकें। चलिए ठीक है, इतना आप लोग कर ही लेंगे, अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।